देख लिया थोड़ा सा भाई, हम लेफ्ट में से लेफ्ट टू सेंटर है। थैंक यू। सभी मेरे मीडिया के दोस्तों, हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूअर्स के बारे में भी जब कहते हैं, तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। वो बाद में देंगे जो अपना ये है डिटेल्स, लेकिन उसमें मेन मुद्दे ये हो गए कि बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके हम उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीज़ें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके ज़माने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही, क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे, और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, कहीं के भी वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं, देते नहीं, और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो रिलीज किया है, वो खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, जब जब खर्च करते हैं उस वक्त अगर आप इमीडिएटली पैसे देते फिर आगे का काम होता है, लेकिन वो पर्पसली वो लोगों को काम नहीं देना और खर्च नहीं हो रहा ये बोलना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है ये बीजेपी की सरकार। और दूसरा महंगाई, महंगाई तो इतनी बड़ी है तो वो नेहरू के ज़माने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो कम, अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व का है,
यू आर रूलिंग टुडे, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया, यह महत्व का है, ना कि आज़ादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव ने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस को तो आप गालियां देते दे दो, लेकिन ये मेन समस्या है महंगाई का, आपने इसको खाने पीने के सामान जो उसको कंट्रोल करना था वो नहीं किए। और ऐसे हैं चंद ये पल्सेस है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तेल है, आप कंट्रोल सकते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज जितने भी होते हैं उसको कानून है कंट्रोल करने का, लेकिन चंद ऐसे उनके लोग हैं, उनके दोस्त लोग हैं, वो यहाँ पर अगर महंगाई हो गई तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो जहाज समंदर में रखते हैं टिल यहाँ के प्राइसेस राइज नहीं होते। जब प्राइसेस राइज होते हैं तब वो समंदर में से रहने से जहाज पोर्ट पे लाते हैं, पोर्ट पे इसे लाने के बाद ही उसको वो टैक्स लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा, इसीलिए वो भी काम वो करते हैं। यानी दे ट्रीट बिग बिग जो जहाज होते हैं उनको एक गोडाउन के तरफ वो ट्रीट करते हैं, तो ऐसा भी फायदा वो लोग अपने दोस्तों को करके देते हैं। और तीसरा किसान, किसान का हम नहीं बोल रहे, किसान लोग तो धरना बैठे यहाँ, और किसान लोग वहाँ पर एक साल तक बैठे, उनकी कोई चिंता उन्होंने नहीं की। और तीन काले कानून लाके उन्होंने फिर बाद में वापस लिया, तो इसका मतलब ये है कि समझदारी नहीं है, और उससे किसानों को फंसाया जा रहा है कि एक तरफ मैं MSP ज़्यादा कर दूँ बोले, मैं किसान की आमदनी डबल करूंगा बोले, कहाँ है वो सब। और ये सब बातें पार्लियामेंट में उसका उत्तर या उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, ना बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, ना महंगाई के बारे में बोलते हैं, ना किसानों के बारे में। दूसरे चीज़ लाना जो इर्रेलेवेंट है और उसी के ऊपर वो भाषण उनका चलते रहता है, तो ये किसान का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। और वो जो उनका वायदा था दो ये अपना डबल आमदनी करने का, वो कुछ भी नहीं है। और ट्रैक्टर पे इस पे ये जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है उनके ऊपर भी GST लगाया गया, और MSP की गारंटी तो छोड़ो, मोदी की गारंटी बोलो, ये गारंटी लिखो ना जो आपने कहा कि मोदी की गारंटी MSP थी, मैं नहीं कर सका, नौकरियां 2-2 करोड़ हर साल देना था, मैं नहीं कर सका, ये मोदी की गारंटी है ना। अब नया गारंटी निकले हैं, तो ये जो है इसके बारे में। और सामाजिक न्याय, देखिए सामाजिक न्याय वो बहुत बोलते हैं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट को बनाया, मैं शेड्यूल ट्राइब को बनाया, मैं फलानों को बनाया, अरे ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो बनते रहते, तुम्हारे पार्टी की एक पॉलिसी रहती, हमने भी बनाया, हमने तो ऐसे ऐसे नेताओं को शेड्यूल कास्ट के प्रेसिडेंट बनाया जो इंटरनेशनली फेमस थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका भी महत्व मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और अच्छे इंटरनेशनली फेमस जर्नलिस्ट थे, फिर एम्बेसडर थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो शेड्यूल कास्ट थे। तो ये बातें उन्होंने वहाँ बोलना, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम फोटो लगाए वो बोल, इससे
देखो ये तो इमोशनल चीजें हैं, लेकिन आदमी को रोजगार देना ये इम्पोर्टेंट है। इसकी बात आप करना चाहिए, इसके लिए हम बोलते। और सामाजिक न्याय उस वक्त मिलता है हर चीज में आप लोग भागीदारी देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर्स क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर्स अगर ज़्यादा बने, बड़े बड़े बने, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है और एससी एसटी ओबीसी का वहाँ पर एक परसेंटेज जो मिलता है वो परमानेंट मिलता है। वो इधर उधर भागने की जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब करना, डेली वेजेस करना, ये सब उसको स्थिरता नहीं देती और खास करके उनको एक स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए हम चाहते थे कि पक्की नौकरी दो, गवर्नमेंट सर्वेंट में पक्की नौकरी दो, पब्लिक सेक्टर्स में दो, और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व करना है तो उनको एस्टैब्लिश करके उनके हाथ में दो। जैसा आप करोड़ों रुपए बड़े बड़े कॉरपोरेट को देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्रोस लोन देते हैं, क्यों नहीं इनको जितना उनके धंधे के लिए, उनके काम के लिए 5-10 करोड़ होना है तो देकर आप उनको एस्टैब्लिश करो। वो नहीं करते, वो नहीं बोलते, अपनी भाषा अच्छी है और हिंदी में सब कुछ बोल के हम निपटा लेंगे तो उससे आर्थिक परिस्थिति भी बढ़ती नहीं, उसके इन्फ्लेशन भी कम नहीं होता, उससे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा नहीं होता। तो ये और पांचवा पॉइंट है, लोकतंत्र पे खतरा ये ज़रूर है, क्योंकि एक तो अब डरा डरा के, धमका के इलेक्ट्रल बॉन्ड भी, पैसा भी आप वसूल कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के पास। हमने नहीं पूछा, अभी तुमने चाबी फिराते हो पीछे, वो आगे आके देते हैं, वो सब छोड़ के हमने किसी को पूछा नहीं, किसी को तंग नहीं। तंग कैसा करते हैं? ईडी की नोटिस भेजना, सीबीआई की नोटिस भेजना, सीबीसी की भेजना, और किसी ऑफिसर भी अगर उनके सुनता नहीं तो विजिलेंस को उसको रिपोर्ट करा, ऐसा तंग करके अपने पास लेते हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी इन्होंने इतना, फिर इससे पहले 10 साल पहले अगर उनके आइडियोलॉजी पे ही है, फिर इतने पैसे क्यों नहीं जमा होते थे, अब क्यों जमा? सो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं, और ये पैसा डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे, वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये, कि उनको इसमें ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करना उनका काम है। और जो लीडर बोलता है उसको एक थ्रेट, मेरे को परसों मोदी जी के भाषण में मैं कुछ भाषण किए तो मेरे को 4-5 कॉल्स आए, कोई ऐसी गंदी गालियाँ दिया, वैसी दिया, तो मैं यहाँ पर कहाँ पर हमने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाया है जो केस है वो देखेंगे। इससे पहले भी तुगलक पुलिस स्टेशन में करवाया था, इससे पहले मैं वहाँ 2-4 महीने रहता था साउथ एवेन्यू में, वहाँ पर साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में करवाया, अपने बेंगलुरु में करवाया सदाशिव नगर, कितना क्यों? अरे आप बहस करो, आपकी बहस के ऊपर लोगों को कन्विंस करो, ऐसा लोगों को लगा के डरा के हमको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो मैं तो
हम कमजोर कांग्रेस वाले भी होने वाले नहीं, मैं भी होने वाला नहीं। मैं तो इतनी कठिनाई देख के एक ही घर में मेरे बाप एक बचे थे, मैं एक बचा, दो ही मिलके अब 83 तक मैं आया हूँ एज, और 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। एक इलेक्शन भी मेरी गई नहीं थी, परसों एक छोड़ के, लेकिन मेरे को भी इनडायरेक्टली गालियां देना, डिफेम करना, सोशल मीडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो, उनका काम है कि एक अगर सोलकास्ट का वो भी जिसके पीछे कोई भी नहीं है, ऐसे आदमी को अगर वो डिफेम करना चाहते हैं, और एक 53 साल में एक कलंक नहीं है। मैं 20 साल वहाँ मिनिस्टर था, 10 साल यहाँ मिनिस्टर, और 8 साल अपोजिशन लीडर, वहाँ भी अपोजिशन लीडर 18 साल था, तो कोई मेरे तरफ उंगली उठा के भी नहीं बोल। अब ये लोग डराने की कोशिश कर रहे, ठीक है डराने दो, वो बाद में की बात है, हम देखेंगे कि हम सिंपत्ति नहीं चाहते, हम ऐसे हैं वैसे हैं, इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि जनता की भलाई के लिए इन्हों जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ, इसीलिए ये हमारा ब्लैक पेपर हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा, हर ईडी सीबीआई ये लगाते हैं, देखिए हमारा क्या हुआ, उन्होंने झारखंड के सरकार को खत्म करने का सोचा, क्या हुआ, उल्टा हमारे को जहां हमारे को 44 थे वो 48 हो गए, खैर एक आदमी बीमार था, प्रेजेंट 47 हो गए। क्यों करना ये एक्सपेरिमेंट, जब मजबूत सरकार है उसको गिराना, डराना, फिर उनको अलग रखना, ये चीज़ें वो करके आगे आना चाहते हैं, और कि हमको जनता का सपोर्ट है। जनता का सपोर्ट कहाँ है, अगर जनता का सपोर्ट होता तो पूरे देश में चीफ मिनिस्टर तुम्हारे ही होते थे, ये गिरा गिरा के चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते थे। और यहाँ से जो कांग्रेस वालों को अपने ले रहे हैं, लेकर जो सरकारें बना रहे हैं और उन्हीं से गालियां दिला रहे हैं, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, जो अपने पदयात्रा कर रहे हैं उन्होंने, और राहुल जी हर जगह जा रहे हैं, तो भी उसके ऊपर टीका, राजा क्या वह राज्यसभा में थे कल बोले, और क्या उनकी क्या वहाँ गलती थी, अरे ठीक है भाई तुम लोकसभा मेंबर है, उन्होंने बोलो, उन्होंने जब आते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड है, एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट्समैन के जैसे अपना आगे का विजन देना, उन्होंने क्या किया वो बोलना, वो छोड़ के मैं और 5 साल आऊँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, ये तो बोल रहे हैं। लेकिन मेरा यही है कि पिछले आप के करतूत क्या है, आज के करतूत क्या है, इसमें हम सब दिए हैं, और जो ये डिवाइड, देश को डिवाइड करने की बात, साउथ और नॉर्थ का डिवाइड करने का उन्होंने बोला, अरे भाई साहब मोदी जी, आप जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आपने पूछा केंद्र सरकार उस वक्त के यूपीए गवर्नमेंट को कि 50% टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा टैक्स नहीं देना चाहिए अगर हमको नहीं मिलता, ये भी उदाहरण उन्होंने दिया, 48,600 करोड़ मैं टैक्स देता हूँ गुजरात, और मेरे को 2.5% वापिस मिलता है। फिर ये डिवाइड की बात हो गई नहीं, ये लोग अगर दूसरे पार्टी के लोग बात कर रहे हैं
तो आपने तो खुद बोला चीफ मिनिस्टर होके, और वही बात अगर दूसरा बोलता है वो देशद्रोही होता है, वो देश तोड़ने की बात करता है। तुम क्या करें, तुम तो देश तोड़ने की बात हमेशा करते, दंगे करवाए पीछे, लोगों को भड़काए, ऐसे ऐसे भाषण करके भड़काए, पूछो मत। और वही आदमी आज ये कहता है कि साउथ नॉर्थ की झगड़ा कर रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तुम कौन सी बात किए जब चीफ मिनिस्टर थे? तो वो उनको देखना चाहिए। और गवर्नर तो ऐसे बने हैं कि स्टेट के डिक्टेटर्स, वो जो कहते हैं वही होना। कहीं भी गवर्नर्स को इन्होंने बिठाया है तो वहाँ सरकार को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिठाया। जहाँ बीजेपी का सरकार है कोऑपरेट करो, जहाँ नहीं है उसको फाइल्स वापिस भेजो, पेंडिंग रखो, ये सब है इसमें। मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर और भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ हम मैंने आपके सामने रखा है और इसमें पूरा डिटेल भी आप देख सकते हैं। और आखिरी में एक ही बात करूँगा कि भाई कांग्रेस पार्टी ये महात्मा गांधी जी की पार्टी है, उसने स्वतंत्रता संग्राम में भारत को करके भारत को 200 वर्षों के ब्रिटिश अन्याय से निकाला, और 2024 में हम भारत को भाजपा के अन्याय के अंधेरे से बाहर लाएंगे, इंडिया गठबंधन से, और न्याय प्रदान करेंगे और काम करते रहेंगे। भारत के लोगों को हमने पहले भी जो वायदा किया है वो वायदे हम निभाएंगे, जैसा कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सब कानून हमने बनाया। तो उन्होंने कहे कि ये मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा। अरे भाई हम भी दे रहे थे, उसका रेट ही था 3 रुपये, उसके बाद हर स्टेट ने कहीं मुफ्त किया कोई अलग किया, लेकिन इन्होंने इतने जोर से बोलते हैं कि दूसरे समझे कि क्या सच बोल रहा है। लेकिन ये आंकड़े अगर आप देखेंगे, ये खर्चा अगर आप देखेंगे, तो वो आपको मालूम होगा। धन्यवाद। नहीं, 2 मिनट नहीं, टाइम तो नहीं है, क्योंकि फिर मोदी साहब का भाषण शुरू होगा। स्टार्ट हो गया आज नहीं है, मैंने साहब नंबर टू स्पीकर हैं। आज वो 56 लोग जो रिटायर हो गए, ये देखो ये सब झूठ है। आगे देखिए व्याधान, यानी गड़बड़ करके मेरे शब्दों को उन्होंने उसमें आने ही नहीं दिया, और ये भी बोला है वो एक्सपंज किए सो बात जो है रिकॉर्ड पे नहीं जाना, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता बोले। तो ये जो है ये तोड़ मरोड़ के जो बोल रहे हैं ये पर्पजली कर रहे हैं। मैंने तो 2 पेज कर एक्सपंज हुए सो दिया था, क्यों नहीं उसके ऊपर बोल रहे? हाँ सर, इंडिया का एक और घटक, ठीक है, मेरे वहाँ के लोकल जो चेयरमैन प्रेसिडेंट है, मैं उनको पूछ के रिएक्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्या हुआ है, मैं देख। सर जयंत चौधरी पे क्या, जयंत चौधरी से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके बीजेपी में के साथ जाने की चर्चा है? देखो भाई, सबके साथ हमारे लोग टीम है, वो टीम बात कर रही है, और वासनिक के नेतृत्व में 6 मेंबर की टीम है, हर जगह हम कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हर चीज डिस्क्लोज प्रेस को नहीं कर सकते जब तक वो ये नहीं बनता कि सीट कितने क्या है, फिक्स नहीं।